है गड़गड़ाहट लाने के लिए मैं चाहूंगी कि अपनी बात शुरू करें हम एक नारे के साथ। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी सब लोग अपना सीधा हाथ ऊपर करें, सीधा हाथ ऊपर करें और मुट्ठी बनाएं। मुट्ठी बनाएं तो जब ताकत बनती है, हर इंसान जब तक अपना सीधा हाथ नहीं उठाएगा मैं बात नहीं करूंगी। तो जो भी जहां भी है आप सब लोगों को करना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं बोलूंगी कमाने वाला, आप लोग बोलेंगे खाएगा। क्या बोलेंगे? खाएगा। अच्छा, इतना आहिस्ता अगर बोलेंगे खाएगा तो कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए गगनचुंबी आवाज में बोलना पड़ेगा। मैं कहूंगी कमाने वाला, आप लोग कहेंगे खाएगा। क्या कहेंगे? खाएगा। फिर मैं बोलूंगी लूटने वाला, आप लोग बोलेंगे जाएगा। क्या बोलेंगे? जाएगा। मैं बोलूंगी नया जमाना, आप लोग बोलेंगे आएगा। क्या बोलेंगे? आएगा। अच्छा, तो चलिए सबके सब एकजुट होकर गगनचुंबी आवाज में बोले कमाने वाला आएगा, कमाने वाला आएगा, लूटने वाला आएगा, लूटने वाला आएगा, नया जमाना आएगा, नया जमाना आएगा, नया जमाना आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस नारे से हमको जो है सफदर की याद आती है। आज से 31 साल पहले सफदर शहीद हुए, आज वो यहाँ होते और देखते कि किस तरह 31 साल बाद भी लोग यहाँ हिम्मत जुटा के आज का जो माहौल है उसमें बिना डर के यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो उनको सही में लगता कि जो काम उन्होंने शुरू किया है वो आगे जारी चल रहा है। मुझे यहाँ आके बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने बचपन में फिर से लौट आई हूँ, क्योंकि कॉमरेड कैफी आज़मी जो मेरे पिता थे वो ऐसे ही मुझे इतनी छोटी मैं थी जितने कि यहाँ सामने बच्चे हैं, और वो मैं सब कम्युनिस्ट वो पार्टी वर्कर्स के बीच में और मजदूरों के बीच में जाती थी मदनपुरा, वहाँ मुझे अपने कंधे पर बिठा लिया जाता था और वहाँ इसी तरह का माहौल था। तो एक बार फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि सचमुच मेरा बचपन लौट आ गया, और इसकी वजह से मुझे बहुत ताकत आ रही। तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है। यहाँ लिखा हुआ है कि ये कलाकारों का और मजदूरों का एक सम्मेलन है। जिस तरह से सफदर काम करते आए हैं, इसी तरह से जिस माहौल में मैं पली बड़ी हूँ, वहाँ हमेशा ये माना गया था कि कला को एक माध्यम बनाना चाहिए सामाजिक बदलाव का। मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटी सी थी तो मेरे वालिद कैफी साहब के साथ ऐसे ही मदनपुरा में जाती थी, और वहीं उन्होंने एक नज़्म लिखी थी। उस नज़्म का उन्वान है मकान। वो नज़्म उन्होंने इसलिए लिखी थी कि वो ये देखते थे कि जो मजदूर अपने खून पसीने से एक आलीशान बिल्डिंग बनाता है, जब वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो एक चौकीदार को वहां खड़ा कर दिया जाता है उसके दरवाजे पर, और उसको बोला जाता है कि तुम यहां से हट जाओ। तो इस माहौल को देखकर कैफी साहब ने नज्म लिखी थी मकान। उसके कुछ शेर यहाँ भी लिखे हुए, उसी का मैं पहला बंद सुनाऊंगी अगर आपकी इजाज़त हुई। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी, सब उठो मैं भी उठूँ, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। ये जो खिड़की की बात हम कर रहे हैं सिर्फ यही एक मुद्दे की नहीं है, उस खिड़की को खोलना ज़रूरी है जो इस वक्त कोशिश कर रहा है कि हमको बेड़ियों में बांध दिया जाए। हम अपने अंदर जागरूकता पैदा करें, हम लड़ाई करने की और संघर्ष करने की अपनी ताकत बनाएं, और सबसे ज़्यादा जो मजदूर के साथ इस हाथ में आपके साथ हाथ बटा सकता है वो है कलाकार। जावेद अख्तर साहब यहाँ हैं तो ज़ाहिर है इनके ही सामने इनका शेर सुनाना, उसके लिए ज़रा हिम्मत चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो माहौल है और जिसमें जिस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं उसमें दो तीन अलग अलग शेर हैं जावेद साहब के, तो अगर आपकी इजाजत हो। खून से सींची है मैंने जो मर मर के, खून से सींची है मैंने जो मर मर के, वो जमी एक सितमगर ने कहा मेरी है।
खून से सींची है मैंने जो मर मर के, वो जमीन एक सितमगर ने कहा मेरी है। ठीक यही नहीं हो रहा है कि आज के दिन जब आप सीए की बात करते हैं तो क्या यही बात आप नहीं कह रहे हैं? तो इसको, इसकी गहराई तक पहुंचिए, इसकी गहराई को समझिए और इससे ताकत बनाइए कि संघर्ष करेंगे और करते रहेंगे। मैं मुंबई में रहता हूं और इन दिनों रोज़ पढ़ने को आ रहा था कि दिल्ली में ऐसी सर्दी हो रही है जो कई साल से नहीं हुई। 170 साल में इससे ठंडा दिन नहीं हुआ, 75 साल में इससे ठंडी रात नहीं हुई। रोज़ एक खबर ऐसी छपती, मौसम भी आते जाते रहते हैं। फरवरी में अक्टूबर में शुरू होती है सर्दी, फरवरी के एंड तक ख़त्म हो जाती है, दूसरा मौसम आ जाता है। जैसे सरकारें आती हैं चली जाती हैं, वैसे मौसम भी आते हैं चले जाते हैं। लेकिन एक मौसम है जो हर मौसम में रहता है और वो मौसम है ना इंसाफी का, जुल्म का, बेईमानी का। और जैसे कभी कभी सर्दी कम होती है कभी ज्यादा होती है, वैसे ही ये मौसम भी कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। रहता तो यही मौसम है, आजकल सर्दी ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, इतनी बरसों में नहीं हुई थी। तो मौसम आजकल बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, ये बात कही जाती है कि असल में ये हिंदू मुसलमानों के बीच में एक दरार डाली जा रही है और इसमें मुसलमानों की परवाह नहीं है। ये गलत, ये जो कुछ हो रहा है ये हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज, चाहे वो मुसलमान हो जो भी हो, ये तो ऐसे जैसे अभी ये सीढ़ी चढ़ी ना, ये उधर दो सीढ़ियां हैं, ऊपर आने के लिए सीढ़ियों की जरूरत होती है, ऐसे ही ये माइनॉरिटी सीढ़ियां। पहुंचना कहाँ है? पहुंचना क्या माइनॉरिटीज को कंट्रोल करने के लिए है? इतनी मेहनत क्या 15% 16% 13% 12% लोगों के लिए हो रही है? नहीं, कंट्रोल चाहिए 85% लोगों को। ये बहाना है। और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं तो दुनिया में नजर घुमा के देख लो, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ोस में है मिसाल। आप ये देखिए कि ये मुल्क बांटा कैसे जाता है, हम समाज को बांटते कैसे हैं? ये मुसलमान हैं, ये सिख हैं, ये हिंदू हैं, ये ईसाई हैं, ये पारसी हैं, ऐसे क्यों बांट रहे हो? ऐसे क्यों नहीं बांटते? ये बहुत अमीर हैं, ये काफी अमीर हैं, ये बीच मिडिल क्लास हैं, ये गरीब हैं, ये बहुत गरीब हैं, ये बिल्कुल गरीब, ऐसे क्यों नहीं बांटते? ऐसे नहीं बांटना, इसलिए कि इसमें सबकी असलियत खुल जाएगी, चेहरे से नकाब गिर जाएंगे। तो इसको ऐसे बांटो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, अगर ऐसे बांटा तो मालूम हुआ कि अमीर थोड़े से हैं, नीचे जो लाखों करोड़ों करोड़ों गरीब हैं उनमें ज्यादातर हिंदू हैं। आज जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो क्या माइनॉरिटीज में है? और जो मेजॉरिटी के लोग हैं सबको काम मिल चुका है, बड़ी अच्छी बात है भाई। आज जो भूखे सोते हैं लोग, 10 करोड़ के करीब इस मुल्क में आदमी ऐसे होते हैं जो रात को भूखे पेट सोते हैं, वो माइनॉरिटीज हैं, सब मुसलमान सो रहे हैं भूखे, ज्यादातर हिंदू होते हैं। तुमसे ये बात छुपाई जा रही है, तुमसे कहा जाता है कि तुम अपनी बेरोजगारी के बारे में मत सोचो, तुम्हारे घर पे सर पे छत नहीं है मत सोचो, तुम्हें दो वक्त रोटी नहीं मिलती मत सोचो, तुम्हारे बच्चे के पास स्कूल नहीं है मत सोचो, तुम्हारी बीवी को अस्पताल में दवा नहीं मिलती मत सोचो। तुम सोचो कि तुम हिंदू हो, गर्व करो अपने, भूखे मर जाओ लेकिन गर्व करते रहो, तुम्हारा बच्चा भीख मांगे मगर गर्व करते रहो,
तुम्हारी बीवी मर जाए मगर गर्व करते रहो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम तुम्हें रोटी नहीं देंगे, हम तुम्हें काम नहीं देंगे, हम तुम्हें घर नहीं देंगे, अस्पताल नहीं देंगे, स्कूल नहीं देंगे, हम तुम्हें गर्व दे रहे हैं, रखो अपने पास। ये फ्रॉड है, ये धोखा है। इस मुल्क के जितने असली समस्याएं, जो प्रॉब्लम है, जो मसाइल है, वो न टीवी पे दिखाई देते हैं न अखबार में दिखाई देते हैं। क्या बातें हो रही, क्या हो रहा है, किसे गिन रहे हो तुम आम हिंदुस्तानी से कैसे पूछोगे कि वो हिंदुस्तानी है कि नहीं, कैसे पूछोगे? उसके पास जैसे बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए? अरे हिंदुस्तान के करोड़ों आदमियों को अपना जन्मदिन ही नहीं मालूम, उन्हें ये नहीं मालूम पैदा किस दिन हुए थे। क्या करोगे? और उसके बाद ये जो है आदिवासी है, दलित है, गरीब अमीर मुसलमान के पास है, सब फिक्र न करो उसकी। सिर्फ गरीब मुसलमान के पास नहीं है, गरीब हिंदू के पास नहीं, गरीब दलित के पास नहीं, ये प्रॉब्लम गरीब का है। कोई मेरे बच्चों को थोड़ी निकालने वाला है, मेरे पास पैसा है। उससे तुम पूछोगे, उससे मालूम करोगे, जिसके वोट से तुम पावर में आए हो। अगर ये हिंदुस्तानी नहीं है तो तुम वहां बैठे कैसे हो? ये करोड़ों हिंदुस्तानियों ने जब तुम्हें वोट दिया था तब वो हिंदुस्तानी थे, और अब जब तुम्हें वोट मिल गया है तो अब हर आदमी से सवाल करोगे तो कौन इंडियन है कौन नहीं। ये तो तुम्हें इलेक्शन में खड़े होने से पहले करना था कि साहब जो हिंदुस्तानी नहीं है वो मुझे वोट नहीं देगा। ये इनसे वोट का राइट छीन, उस गरीब दलित से भी, उस आदिवासी से भी जो तुम्हारा वोटर नहीं, जो तुम्हारे वोटर नहीं हैं, तुम उन्हें वोटिंग का राइट छीनना चाहते। इतनी सी बात। और ये फैसले की घड़ी है। राजनीति में चीजें होती रहती है उल्टी सीधी, कहीं कुछ राइट हो गया, कहीं कुछ गलत बयान आ गया, कहीं कुछ हिस्ट्री की किताब चेंज होती, छोटी मोटी, इतना बड़ा मुल्क है। लेकिन ये फैसले की घड़ी है, क्या इस मुल्क का जो गरीब पिछड़ा हुआ इंसान है उसके पास वोट देने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फैसला सिर्फ ये, सब बाकी बेकार बातें। बात यह है कि जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो गरीब है, जो इनका वोटर नहीं है, जो रोटी मांगता है, जो घर मांगता है, जो अस्पताल मांगता है, उसको वोट का राइट नहीं होना चाहिए। ये करोड़ों कहीं नहीं जाने वाले, ये यहीं रहेंगे, इन्हें कोई नहीं लेगा, और इतनों का तो भाई तुम मर्डर भी नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ वोट की ताकत छीनने के लिए ये फैसला आपको करना है अगले इलेक्शन से पहले, कि इस देश में वोट हर आदमी के हाथ में होगा या सिर्फ उसके हाथ में होगा जैसे ये चाहेंगे। नया हुक्मनामा, किसी का हुक्म है, सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी संत क्या है, किस डायरेक्शन में जा रही हैं। किसी का हुक्म है, सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी संत क्या है। हवाओं को बताना यह भी होगा, चलेंगी जब तो क्या रफ्तार होगी, कि आंधी की इजाजत अब नहीं। हमारी रेत की सब ये फसीलें, ये कागज के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत इनकी करना है जरूरी, और आंधी है पुरानी इनकी दुश्मन, ये सभी जानते हैं। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें, जरा ये सरकशी कम कर लें, अपनी हद में ठहरे, उभरना फिर बिखरना और बिखर कर फिर उभरना, गलत है उनका ये हंगामा करना, ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत, बगावत की अलामत। बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी, ये वहशत तो नहीं बर्दाश्त होगी। अगर लहरों को है दरिया में रहना तो उनको होगा चुपचाप रहना।
किसी का हुक्म है इस गुलशिता में बस अब एक रंग के ही फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्तान किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल एक रंगी तो होंगे मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का ये अफसर तय करेंगे। किसी को ये कोई कैसे बताए गुलिस्तान में कहीं भी फूल एक रंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं। जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहे थे उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो वो अब कितने परेशान हैं, वो कितने तंग रहते हैं। किसी को ये कोई कैसे बताए हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं। हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में हथकड़ी में कैद खानों में नहीं रुकती। ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून बेताब होता है और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। अब वो जो गजल के दो तीन शेर हुक्म किया था उन्होंने मुझे सुना देता हूं। जो बात कहते डरते हैं सब तू वो बात लिख, जो बात कहते डरते हैं सब तू वो बात लिख, इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात लिख। और जिनसे कसीदे जो हाकिमों की तारीफ में होते हैं, जो कविता हाकिमों की बादशाहों की तारीफ में लिखी जाए उसे कसीदा कहते हैं। जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, फिर खून दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख। जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, फिर खून दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख। और जितने भी तंग दायरे हैं सारे तोड़ दे अब आ खुली फजाओं में अब कायनात लिख। और जो रोजनामे न्यूज़पेपर जो रोजनामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज हर जगह की है वो वारदात लिख। और जो वाकयात हो गए उनका तो जिक्र है लेकिन जो होने चाहिए वो वाकयात लिख। जो बात कहते डरते हैं सब तू वो बात लिख, इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात लिख।